हेलो बच्चों, मैं एस एन खान, साइंस शिक्षक, कक्षा छठी विज्ञान। आज हम पढ़ाएंगे अध्याय दो, भोजन के घटक। अब हम पिछले अध्याय पढ़ चुके थे कि भोजन घटक अलग अलग होते हैं। अपने राज्य बहुत बड़ा भारत देश है, तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। उत्तर भारत में अपन रोटी, दाल, चपाती, बैंगन, भुस्ता कर सकते हैं। दक्षिण में अपन जाते हैं तो इडली, डोसा, सांभर, अलग अलग तरह के ये स्रोत हो सकते हैं, भोजन घटक है। अब होता यह है कि अधिकांश अपन भोजन रास्ते में होते तो वही भोजन खा लेते हैं जो हमको मिल जाता है। हम बराबर भोजन नहीं ले पाते। होना ये चाहिए कि आपको घर में सभी तरह का भोजन जब खाने बैठते हैं तो उसमें संतुलित मात्रा में होना चाहिए। पर कई बार भाग दौड़ की जिंदगी में हम जैसे बॉम्बे साइड जाते हैं, पाव बड़ा बड़ा पाव खा लेते हैं, अपना काम चला रहे, ये संतुलित भोजन में नहीं हो पाता है। अब होता खाद्य संग्रह, विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ होते हैं अधिकांश आपके कार्बोहाइड्रेट से वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज। ये आपके जो पोषक होते हैं जो आपके शरीर में वृद्धि करने में, संरचना में, रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। ये सभी की मात्रा आपके भोजन में होना चाहिए। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलता है, वसा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, खनिज मिलता है। हम किसान पढ़ाते कि हमने ये खाया है, तो हमको परीक्षण करना पड़ेगा। हम टेस्ट करते हैं, पहला परीक्षण हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, जो मंड होता है कार्बोहाइड्रेट से भाग होता है। अपन इसके लिए क्या करते हैं, पहले अपन सोल्यूशन बना लेते हैं। आयोडीन है, कॉपर सल्फेट है, कास्टिक सोडा है। कॉपर सल्फेट को अपन नीला थोथा भी बोलते हैं, यानी बाजार में मिलता है आसानी से। ये इन सब परीक्षण करते हैं। अब होता है ये कार्बोहाइड्रेट मंड, ये अपने कहा मिलता है, मंड का अपने आपको पता है कार्बोहाइड्रेट अनाजों में होता है ना, अधिकांश गेहूं अपने यहाँ लिखा है स्रोत होते हैं, आलू है, गन्ना है, गेहूं है, चावल है, अपन आलू माने लेते हो बाल के। अब इसमें मंड है तो अपन क्या करते हैं, इन लोगों को आयोडीन की अपन कुछ बूंदे ऊपर डालते हैं, डालने पर अपन देखें कुछ समय पश्चात उसका रंग नीला या काला हो जाएगा, ये पहचान होती है मंड की। अरे कहीं भी आप आसानी से कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। आयोडीन जल्द स्थान मिल जाता है, पर टीचर आयोडीन लगाते हैं, ये मिल जाता है आसानी से। तो मंड के अपन प्रयोग कर रहे हैं, आप लीजिए उसका कुछ भाग या फेस से बाय कर लीजिए, दो चार बूंद आयोडीन के डालिए, डालने पर देखते हैं नीला रंग आता है तो ये अपना कहलाता है मंड। प्रोटीन, प्रोटीन आपको पता है ना कैसे होते हैं, दूध, अंडा, मांस से निकलता है ये प्रोटीन। ये अधिकांश उपयोग कहां करते हैं अपन, जो खिलाड़ी लोग होते हैं या जो मेहनत करने लोग होते हैं उनके लिए ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि प्रोटीन में गुण पाया जाता है, ये अपने शरीर में ऊर्जा का काम करता है एक तरह से। इसका उपयोग करेंगे तो प्रोटीन मान लीजिए ठोस है, आप यह सूखे रूप में आप बारीक पीस लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल के इसको आप लिक्विड बना लीजिए। इसमें कास्टिक सोडा पर डाल CuSO4, कॉपर सल्फेट की दो बूंदे डालिए, कास्टिक सोडा की 10 बूंदे डालिए। आप थोड़े अपना प्रेगनेंट लिवे टेस्ट ट्यूब में अपन डालकर, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं उसमें अपने डालकर जब डालते हैं यहाँ पर ड्रॉपिंग सहायता से, तो इसके अंदर जो प्रोटीन इसका रंग आपका हो जाएगा बैंगनी, ये रंग बताता है कि ये प्रोटीन है, ये इनकी पहचान है, अपन आसानी से कर सकते हैं। वसा, अपन कई बार सफर करते हैं तो कुछ खाना अपन पेपर में बांध के ले जाते हैं या बाजार से मिठाई लाते हैं तो वो डब्बे में पैक कर देते हैं, या फिर आप इतना भी नहीं होता है तो घर में अपन देखते हैं घी, तेल अपने मिलता है आसानी से, आप किसी पेपर पे हल्का सा लगा दीजिए, आप पेपर में देखेंगे, या हो सकता है पानी मिला गया है इसमें मिला हुआ है, आप धोकर सुखा दीजिए। उसके बाद होता है आप जब उसको रखते थोड़ी देर तो पेपर आपका पारभासी हो जाता है, हल्का सा लगता है कि प्रकाश जो आता है वो पारभासी टाइप से दिखाई पड़ने लगता है, उसे निशान दिखाई पड़ने लगते हैं, ये पहचान होती है। ये अधिकांश अपन बहुत से करते हैं कि खाने आप सफर में ले जा रहे हैं, पेपर देखते हैं, जब पेपर में खाना खाते हैं तो नीचे आप कुछ बाहर लगता है एक गीला लग रहा है, आप उसको पानी में मान दो, वो जो भीगा भाग होता है वो तेल के कारण होता है, वसा के कारण होता है, घी के कारण होता है। तो इसका उपयोग अपन टिश्यू पेपर करते हैं, उपयोग खाना लेते हैं तो आसानी से निकलता नहीं है, टिश्यू पेपर सोख लेता है, अपन आसानी से उपयोग में कर सकते हैं। इसके बाद आता है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है,
आप भोजन करते हैं, आप रोटी चपाती लेके बैठ गए, अन्न ये तो आपकी आवश्यकता ही है, हर एक भोजन में आप लेते हैं। उसके अलावा आप साथ में क्या लेते हैं, सब्जी ले रहे हैं, या हो सकता है कि आप और कोई अन्य पदार्थ मांसाहारी पदार्थ ले रहे हैं, आप साथ में सलाद रख रहे हैं, अलग अलग तरह से हो सकते हैं। तो ये शरीर में हमारा क्या होता है, ऊर्जा देने वाला भोजन सवेरे हम करते हैं, भोजन दिन भर हम गतिविधियां करते हैं, कार्य कर रहे हैं, कोई मेहनत काम कर रहे हैं, कहीं आना जाना कर रहे हैं, हम खाली नहीं बैठकर कुछ करते, तो हमको जो ऊर्जा उससे देने वाला भोजन होता है प्राप्त होती है। वसा ये भी अपन उपयोग करते हैं, जब अपन सब्जियां बनाते हैं या कोई चीज फ्राई करते हैं या अपन पकौड़ी बना रहे हैं, कुछ बनाते हैं तो उससे अपन वसा का उपयोग करते हैं, पराठा बना रहे हैं घी का उपयोग करते हैं। प्रोटीन ये शरीर की वृद्धि को वृद्धि करता और शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता। विज्ञापन देखते हैं उसमें अधिकांश देते हैं कि आप ये क्रीम लगाइए, आप ये कीजिए, आपका शरीर बहुत स्वस्थ सुंदर होगा, उसमें कुछ नहीं होता, मेन मात्रा यही होती है प्रोटीन की। खिलाड़ी को आपने ये बताया, अगर लॉन्ग टेनिस खेलना है आप देखेंगे, जब वो बैठते हैं थोड़ी देर के ब्रेक लेते हैं, केला खाते हैं, अरे वो चाहिए इसमें कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा मात्रा होता है, या अंडे होते हैं जो खिलाड़ी लोग होते हैं, अंडा जब उपयोग में करते हैं तो पूरा अंडा नहीं लेते हैं, अंडे जो सफेद भाग होता है जिसको अपन प्रोटीन बोलते हैं उसका उपयोग करते हैं, पीला भाग होता है उसका उपयोग नहीं करते, वो पीला भाग कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा होता है, कभी भी अपना कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, तो खिलाड़ी उनका उपयोग नहीं करते, अंडे का जो सफेद भाग होता है उसका उपयोग करते हैं। ये भरपूर मात्रा में आपको यहाँ प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, स्वस्थ रखने में सहायक होता है, उसको हम बोलते हैं शरीर वर्धक भोजन, प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन बोलते हैं। अब होता है इनके स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, अपन ने माना यहाँ पर आलू है, गन्ना है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, आम, ये कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत है जहां से अपन प्राप्त करते हैं। इसके बाद प्रोटीन के दूध है, अंडा है, मांस है, मटर है, सोयाबीन से अपन प्रोटीन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अपने शरीर में तो हो गया, फिर अपने चाहिए विटामिन और खनिज। विटामिन होते हैं ए बी सी डी ई और के, ये विटामिन हमारे शरीर के लिए थोड़ी मात्रा में जरूरी है, जरूरी नहीं कि हम बहुत ज्यादा इससे अपन भोजन करता नहीं चाहिए, जिससे आयोडीन अपन लेते हैं खनिज में, ये अधिकांश पहले के लोग जो खड़ा नमक उपयोग करते थे उसमें आयोडीन कमी होती थी, तो गले में एक रोग होता है जिससे घेंगा रोग गाइटर बोलते थे, ये छत्तीसगढ़ एक तरफ ज्यादा पाया जाता था, जब पर खड़े नमक आयोडीन की कमी से ये अपन लेने पे अब काफी वर्ष मात्रा में पॉइंट जो वन ग्राम डालते हैं, ये आपका जो घेंगा रोग था उसको रोकने का काम करता है। यहाँ पर विटामिन ए लेते हैं अपन, हमारे लंबोदम को कम दिखाई पड़ता है आंखों के लिए, पपीता है, दूधना हरे सब्जी उपयोग करते हैं, ये अच्छा माना जाता है। विटामिन ए बी होता है यकृत, विटामिन मिलता है यकृत होता है, जो ये जंतु का एक अंग होता है वो अपन काम में लेते हैं। सी आपके दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, बीमार से लड़ने के लिए दूध अपन लेते हैं, संतरा है, टमाटर, नींबू का अपन रस लेते हैं, विशेष गर्मियों में ज्यादा उपयोग करते हैं, संतरा टमाटर अपन सलाद में घरों में डेली यूज करते हैं। इसे आता है संतुलित आहार, ये संतुलित आहार से तात्पर्य होता है कि खाने की थाली के अंदर सभी तरह का कार्बोहाइड्रेट से वसा है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज संतुलित मात्रा में होना चाहिए। अपने मानना होता है कि हम बादाम 400-800 रुपए किलो खाते हैं, काजू हमारे 1000 रुपए किलो हम खाते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा हमको सत्य वर्धक चीजें, अगर ऐसा होता तो दुनिया में पैसा लोग यही खाते हैं और सब बहुत ज्यादा ऊर्जावान है, ताकतवर हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वहीं 2 रुपए किलो की पालक होती है वो ज्यादा गुणकारी है, ये हमारे सोच का अंतर है कि जो चीज जितनी महंगी होगी उतनी गुणकारी होगी, भोजन में ऐसा नहीं होता, होता यह कि संतुलित शरीर को जो आवश्यकता है आपको वो चीजें देना पड़ेगी ताकि आप रोगों से लड़ सके, आप उनसे बच सके, तो संतुलित भोजन होना चाहिए। होता ही है कि हम निकलते कई बार एक ही तरह का भोजन करते करते रहते हैं, दूसरे पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। मान लीजिए आपको बोला कि वसा वाली चीजें बहुत अच्छी होती है शरीर को सुंदर बनाने के लिए, संरचना के लिए अच्छी होती है, हम सीधे समोसे हैं, कचौरी है, वसा वाली घी वाली चीजें हम बहुत खाने लगे, मालूम पड़ा कि बाकी चीजें आपको नहीं मिली वो आप बीमारी का शिकार हो जाएंगे, उन चीजों का आपके शरीर में अभाव हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं अभावजन्य रोग, बोलते हैं इसको बीमारी, किसी चीज कमी है, भाई हम शरीर से दुबले हो गए, हमको कम दिखना पड़ रहा, कोई विटामिन ए नहीं ले रहे हैं, संक्रांत सी हमारे दांत कमजोर हो गए, हमारे शरीर पहले से कमजोर हो गए, हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो ये कहलाते हैं जो द्वारा जो होने वाला रोग होता है अभावजन्य रोग। आप वसा अगर ज्यादा उपयोग करें आप मोटे हो सकते हैं, हम लोग बहुत कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं बीमारी घर बाकी उसके शरीर में चीजें नहीं जा रही है।
ये अध्याय पर आज भी पूरा करते हैं, इसके बाद हम मिलते हैं अगले अध्याय मिलेंगे अगले ब्रेक के बाद। धन्यवाद।